तो वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि अगले हफ्ते का स्मैकडाउन टेप था और उसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगले हफ्ते एलिमिनेशन चेंबर 2022 होने वाला है और यही वो रीजन है कि WWE ने अगले हफ्ते का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो है वो आज स्मैकडाउन के बाद ही टेप कर लिया। और शो पे हमें न्यू चैंपियन मिल चुके हैं रोमन गोल्ड बग, आमने सामने रोंडा राउज़ भी थी शो के ऊपर, तो बात करेंगे उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते टाइटल चेंज के साथ में, तो शो के ऊपर शिंसुके नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन का जो मैच है वो ऑलरेडी ये बात ऑफिशियल हो चुकी थी मैच होगा। एंड गेस व्हाट, शिंसुके नाकामुरा हारते हैं और सैमी ज़ेन न्यू चैंपियन बन चुके हैं। जो वीडियो क्लिप्स और जो फोटोज आई हैं सामने वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देख के ऐसा लग रहा है कि सैमी ज़ेन एक हार्ड फॉट मैच के अंदर जीते हैं, यहां कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई या फिर यहां पे कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं हुई है। सैमी ज़ेन की एक क्लीन विन होती है अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो में और वो बन चुके हैं अब आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और फाइनली काफी लोग कह रहे थे भैया नाकामुरा की जो टाइटल देना वो खत्म होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा कुछ उन्हें फायदा था नहीं, वो बोरिंग बनने जा रही थी। और फाइनली सैमी ज़ेन ने टाइटल कैप्चर कर ली है और सैमी ज़ेन आपके न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। अब बात करते हैं रोमन रेंस और गोल्ड बग के बारे में, तो शो के ऊपर रोमन रेंस और गोल्ड बग भी आमने सामने आते हैं। WWE ने यह बात पहले से अनाउंस कर दी थी कि अगले हफ्ते ये दोनों फेस टू फेस आएंगे। आई नो काफी लोग उम्मीद कर रहे थे जो दोनों फेस टू फेस आएंगे तो एटलीस्ट एक दूसरे को एक एक स्पीयर तो लगाएंगे, लेकिन घंटा अगले हफ्ते ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते की जो वीडियो क्लिप्स आई सामने वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। आप ये कह सकते हो एक तरह का मैं फ्यूचर से उठ के आ गया हूं। और जो रोमन रेंस और गोल्डबर्ग है बस दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहां रोमन रेंस और गोल्डबर्ग दोनों एक प्रोमो सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और गोल्डबर्ग भैया वही कहते हैं मैं यूनिवर्सल टाइटल के तुम्हारे पीछे आने वाला हूं, मैं तुमसे छीन के ले जाऊंगा, फलाना फलाना चीजें होगी। रोमन रेंस गुस्से में उनकी तरफ घूरते रहते हैं और ये कुछ होता है अगले हफ्ते रोमन और गोल्डबर्ग के बीच में जो कि WWE ने आज टेप किया। मुझे सीरियसली लग रहा था एटलीस्ट एक स्पीयर तो आएगा गोल्डबर्ग की तरफ से रोमन को या फिर रोमन एक स्पीयर तो लगाएंगे गोल्डबर्ग को, लेकिन घंटा WWE ने ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक और प्रोमो सेगमेंट और गोल्डबर्ग रोमन की कुछ इस वे में फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन अगले हफ्ते होगी। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन है? मैं सही बता रहा हूं, मैं एक स्पीयर की एटलीस्ट उम्मीद कर रहा था। साथ ही में शो पर रोंडा राउज़ी को लेकर भी एक वीडियो क्लिप आई है सामने और रोंडा राउज़ी लग ऐसा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर रही है रेसलमेनिया को लेकर, क्योंकि रोंडा राउज़ी हमारी क्वीन शार्लोट फ्लेयर सोनिया डेविल बीच में एक टेबल भी है और कुल मिला के जो सारा सीन है वो यही समझ आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट को लेकर है। और यहां रोंडा राउज़ी सिर पटक देती है शार्लेट फ्लेयर का उस टेबल के ऊपर। तो भाई ये वो कुछ स्पॉइलर आए सामने अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो को लेकर। तो सैमी ज़ेन फाइनली चैंपियन बन चुके हैं, इसको लेकर क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और जब रोमन गोल्डबर्ग आमने सामने तो है लेकिन घंटा एक स्पीयर तक का यूज नहीं हुआ और रोंडा राउज़ी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग रहेगी। और ये था वो गोवा एडिशन एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए, लेकिन शायद मंडे नाइट रॉ काफी एक्साइटिंग होगा, देखने लायक होगा। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। आई नो काफी छोटी वीडियो थी लेकिन जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।